हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्यूटी विद बॉबी एंड आई एम बॉबी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेड अंडर आई जेल। तो जैसे आप समझ ही सकते हैं कि अंडर आई जेल मीन्स कि हमारा जो डार्क सर्कल होता है या फिर आई एरिया होता है वहाँ पे लगाने के लिए, हमारा जो आई का एरिया है आई मीन स्किन का जो थिकनेस है वो बहुत ही कम होता है, वो 0.5 mm होता है। तो इसलिए जो आई एरिया है उससे बहुत ही डेलिकेटली अच्छी तरह से केयर करना ज़रूरी है, वरना अगर आप अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो आपके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, बहुत दिखेंगे। वो एक्चुअली डार्क सर्कल इसलिए दिखता है क्योंकि स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाता है अंडर आई का, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट होता है, सॉफ्ट होता है और थिन भी होता है। तो इसलिए आपको जैसे आप फेस का और अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं उसी तरह से आपको आई का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आई का थिकनेस अंडर आई और ये जो है हमारा फेस का थिकनेस वो अलग अलग होता है, तो आपको अलग टाइप से ही उसका केयर करना ज़रूरी है। तो आप भी ये जो जेल है उसे घर में बनाकर यूज कर सकते हैं। बहुत सारा कॉस्मेटिक शॉप है जिसमें कि ये क्रीम आई क्रीम अलग से मिलता है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है एक्चुअली। तो उतना एफर्ट करना वो भी डेली लाइफ में अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप घर में भी आई अंडर आई क्रीम बना सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। और ये जो आप मीन्स क्रीम है वो आपके डार्क सर्कल को कम करेगा, रिंकल्स को कम करेगा और जो आपका एजिंग फैक्टर है, जैसे एज इंक्रीज होता है तो स्किन जो है वो अपना इलास्टिसिटी लूज करता है, तो उससे भी जो हमारे कैपिलरीज हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, तो उसे भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये अंडर आई जेल बनाने के लिए जो हमें पहला चाहिए वो है एलोवेरा जेल, सेकेंड है वैसलिन, देन कोकोनट ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज किया है। और ये विटामिन ई का कैप्सूल, आप विटामिन ई के जगह पे ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि इसे कैसे बनाना है। और एलोवेरा जेल का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं इस अंडर आई जेल में क्योंकि ये आई के पास के जो डेलिकेट स्किन होता है तो एलोवेरा जेल उसे हाइड्रेट करता है, और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं एलोवेरा जेल में वो पफिनेस जो होता है अराउंड आई उसे भी कम करता है। स्किन ड्राई होने की वजह से रिंकल्स जल्दी आते हैं, तो वैसलिन जो है आपके रिंकल को कम करेगा और प्रॉपर हाइड्रेशन देगा अंडर आई स्किन को। देन कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल में बहुत सारे विटामिन्स और फैटी एसिड्स होते हैं जो कि स्किन सेल के ग्रोथ को हेल्दी बनाता है और स्किन को लाइट करता है, तो इसलिए हम कोकोनट ऑयल यूज करेंगे। आप पैरासूट वाला भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम विटामिन ई का ऑयल डालेंगे, मैंने यहाँ एवियन का 400 लिया है, देख सकते हैं। विटामिन ई में इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि स्किन सेल को हार्मफुल यूवी रेज और जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यूवी रेज जो होते हैं वो आपके जो स्किन में कोलाजन होते हैं उसके ब्रेक डाउन को बढ़ा देता है, तो इसलिए विटामिन ई ऑयल जो है वो कोलाजन के ब्रेक डाउन को कम करेगा और आपके जो डार्क सर्कल हैं उसे भी कम करेगा। इसे बनाने के लिए हमें एक छोटा सा कटोरी चाहिए, एक बाउल लीजिए। अब इसमें आपको सबसे पहले आप 1 teaspoon एलोवेरा जेल लीजिए, उसके बाद हमें 1/2 teaspoon वैसलिन डालना है इसमें, आप देख सकते हैं। देन 4 to 5 drops में आपको कोकोनट ऑयल डाल लेना है, ये काफी है, इसे डालिए। उसके बाद 2 vitamin E का कैप्सूल इसमें डालिए,
कैप्सूल को कट कर लीजिए या फिर आप पिन से भी इसे और इससे जो ऑयल है उसे निकाल लीजिए। मैंने एक विटामिन ई के कैप्सूल डाले, दूसरा भी डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसे ऑयल को डालना है। अब इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे तब तक मिक्स करें जब तक ये एक क्रीम टाइप में फॉर्म ना हो जाए। ये जो क्रीम है इसे आप 10 टू 15 डेज के लिए फ्रीज में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रीज में रखना है। ये जो मिक्सर है, क्रीम है, इसे आपको नाइट में ही यूज करना है। तो आप जब सोते हैं, सोने टाइम जब आप अपना फेस वॉश कर लेते हैं, फिटोन कर लेते हैं, मॉइस्चराइज कर लेते हैं, उसके बाद आप अंडर आई में इसे थोड़ा सा लीजिए, देख सकते हैं। और जब भी लें तो रिंग फिंगर से लें, एक्चुअली इससे प्रेशर जो है वो कम पड़ता है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि क्योंकि आप अपने अंडर आई के जो स्किन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा और रिंकल्स भी ज़्यादा होंगे। तो बहुत ही लाइट प्रेशर देना है और आप इस तरह से देख सकते हैं आप। इस तरह से आपको डेली मसाज करना है। आप मिनिमम 1 मिनट तक इसको मसाज करें अपने अंडर आई में, और आप चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं, बट यहाँ अच्छी तरह से मसाज करें। और जो आपका प्रेशर पॉइंट है ये आप देख सकते हैं, इसे भी अच्छी तरह से प्रेस करें, धीरे धीरे मसाज करते हुए ऐसे इस तरह से प्रेस करें जिससे आपको जो स्किन है वहाँ का वो रिलैक्स हो जाए और आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिले। और इससे आपका जो स्किन है अंडर आई का धीरे धीरे वो डार्क अगर है तो लाइट भी होने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए।